सो आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं यहाँ पे पोकर MP40 निकाल कर दिखाने वाला हूँ कि भाई कितने डायमंड्स के ऊपर निकलती है और क्या सीन है। काफ़ी बंदे मुझे कमेंट कह रहे थे कि भाई पोकर MP40 निकालो और बताओ कितने डायमंड लगते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया होगा मेरे पास 20,200 डायमंड थे और यहाँ पर मैंने पहला स्पिन कर दिया है और ये टोकन वगैरह निकल रहे हैं। 200 टोकन के ऊपर हम पोकर एक्सचेंज कर सकते हैं, येलो पोकर, और काफ़ी लोगों की फेवरेट है येलो पोकर। आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा बट आप लोगों ने भी काउंट करना है कि कितने डायमंड लगे। आप लोगों ने नोट किया होगा कि स्टार्टिंग में 202 डायमंड थे, तो अभी मैं स्पिन करते जा रहा हूँ अच्छे खासे डायमंड से खाने वाली है क्योंकि ये टॉप पोकर है और इसका डैमेज भी काफ़ी अच्छा है। वैसे मैं तो कोबरा यूज़ करता हूँ बट ये वाली भी बहुत अच्छी है। सो गाइस यहाँ पे और स्पिन पे स्पिन मैं करता जा रहा हूँ और डायमंड्स भी कम होते जा रहे हैं। सो 106 112 मतलब ऐसे करके 6-6 टोकन करके निकल रहे हैं इसके अंदर से, मतलब 6 से ज़्यादा बहुत ही कम चांस है निकलने का, या कभी कभी 8 भी निकल आते हैं। सो अभी भी स्पिन कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पे 1,000 से ज़्यादा डायमंड लग चुके हैं इसके ऊपर। स्पिन करते जा रहा हूँ और फिर से स्पिन स्पीड में स्पिन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैच बहुत अमेजिंग है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मैच मिस करो या वीडियो छोड़ कर जाओ। सो यार जल्दी से निकल जाओ पोकर जल्दी से निकल जाओ यार। गाइस यहाँ पर हमारे पास 196 टोकन हो चुके हैं, सॉरी 194। सो यहाँ पर 200 टोकन कंप्लीट हो चुके हैं। सो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो, कैलकुलेटर खोलो, इतने डायमंड्स माइनस कर दो 2,202 में से, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने डायमंड्स के अंदर टॉप पोकर निकल कर आ रही है। सो यहाँ पे इसको इक्विप करते हैं और इसके साथ एक मैच अच्छा सा प्ले करते हैं। सो जो कि बहुत ही अमेजिंग मैच था, आप लोग देखोगे मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। सो गाइस चलते हैं मैच की तरफ। सो हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हो, उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, यहाँ पर हमारा मैच होने वाला। यकीन जानो इस मैच के अंदर इतने टफ 1v4 निकाले ना मैंने। वैसे भी आप लोगों को वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि भाई इम्पॉसिबल मैच क्यों लिखा हुआ है। सो मेरी यहाँ पर लैंडिंग हो रही क्लॉक टावर के ऊपर और यहाँ पे पूरा स्क्वाड चेंज है आज के दिन में और यहाँ पर बंदे भी काफी उतर रहे हैं। वैसे रिप्ले के अंदर स्कैनर शो नहीं होता, अदरवाइज आप लोगों को पता है स्क्रीन के ऊपर से रिकॉर्ड किया हो तो उसके ऊपर स्कैनर शो होता है। अब काफी बंदे बोलेंगे कि स्क्रीन के ऊपर से क्या करो, भाई अगर स्क्रीन के ऊपर से करूंगा तो आप लोगों को गेम साउंड नहीं आएगा बिकॉज उस पर मेरा माइक ऑन होता है और रिकॉर्डिंग करूंगा तो आप लोगों को गेम साउंड नहीं आएगा। सो गाइस यहाँ पे मेरी लैंडिंग हुई है इधर इस घर के अंदर और यहाँ से मुझे मिल गई M60 विदाउट एनी चिप। शॉर्ट रेंज के अंदर कुछ खास इतनी अच्छी गन नहीं है। सो यहाँ पर सीन ये है कि मुझे सुपर मेडिकेट एक मिल गई है और यहाँ पे मिल गई है मुझे एक्सामेट। सामने की तरफ एक बंदा है, सो जल्दी से इसको नॉक करते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसको फायर देना स्टार्ट कर दिया, 3-4 बॉडी लगे हैं और सेकंड वाले 3-4 बॉडी के अंदर ये नॉक हो गया। पीछे एक और बंदा है, इसको मैंने कराया यहाँ पर रेड नंबर से नॉक हो गया। एक और बंदा शॉर्ट रेंज के अंदर जिसको स्कोप इन के अंदर हेड और यहाँ पर पीछे से थर्ड पार्टी से मैं हो गया नॉक, वरना यहाँ पे 1v4 प्लस निकल के आ जाता अगर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे टाइम मिलता या मेरे पास हेलमेट होता या एक भी वॉल होती तो यहाँ पे 1v4 हमारा क्लच पहला निकल के आ जाता। सो ये वैसे थर्ड पार्टी वाला है, इसको मारते तो मतलब 4 बंदे नॉक थे। सो यार मुझे इमोट कह रहा है, मतलब जानता है बंदा, इमोट करके कंप्लीट कर दिया इसने। खैर यहाँ पे मैंने अपने टीममेट को बोला मुझे जल्दी से रिवाइव कर दो इससे पहले कि भाई सारे बंदे मर जाएं। सो गाइस यहाँ पे नवाब के पास बंदा है और इसके पास कुछ खास गन नहीं है शॉर्ट रेंज के लिए और सामने वाला बंदा इसको परश कर रहा है। सो यहाँ पे काफ़ी डैमेज इसने करा दिया है और यहाँ पे इसके पास मिनी यूज दी है जिससे ये डैमेज, और यहाँ पे हमारा नंबर 1 भी डाउन हो चुका है। नवाब के ऊपर पूरी गेम आ चुकी है और सामने वाले के पास M10 है और फाइनली इसने इसको नॉक कर दिया है। सो गाइस जल्दी से इसको कंप्लीट करने दो वरना ये नॉक सेकंड बंदा है और इसको यहाँ पे मारे और हमें लग जाए 150 का माइनस। मजे की बात आप लोगों को बताऊं कि नवाब के पास सिस्टम टोकन भी नहीं है और लूट भी नहीं है और बंदे भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो मैंने इसको बोला कि भाई यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल लो, भागो यहाँ से। सो ये मार्स गैलेक्टिका पहले हमने माइंड बनाया कि वहाँ से रिवाइव करें बट वहाँ पर बंदे इजीली आ जाते हैं क्योंकि पास ही पड़ता है। सो मैंने इसको बोला नीचे की तरफ जाओ, वहाँ से गाड़ी पकड़ो और जितना दूर हो सके निकल दो। सेंटोसा का हमने माइंड बनाया क्योंकि वहाँ पर बंदे कम जाते हैं या फिर केप टाउन के ऊपर से बंदा रिवाइवल पॉइंट के ऊपर बैठ के अपने बंदे रिवाइव कर लेते हैं। अब यहाँ पर यह बंदा ढूंढ रहा टोकन इसको मिलने नहीं है बिकॉज जब अकेला बंदा रह जाता है तो गरीना पता नहीं ऑटोमेटिकली टोकन उसके सामने से हटा देती है, साइड कर देती है, उसको टोकन नहीं मिलते। सो यहाँ पे भाई गाड़ी तो इसको मिल गई, अब यहाँ पे ये भागने की ट्राई कर रहा है। सो गाइस थोड़ा सा वीडियो को करते हैं पॉज और आगे चलते हैं जब हम रिवाइव हो गए थे। सो यहाँ पर फाइनली मैं रिवाइव होकर बीमा शक्ति आया है और यहाँ पे मेरे पास कुछ खास अच्छी लूट नहीं है बट वेस्ट हेलमेट अच्छा है। सामने की तरफ एक बंदा है, सो यहाँ पे मैं इसका एम लेने की ट्राई कर रहा था बट वो एम पे नहीं आ रहा था। रिसेंटली इसने अपने बंदे रिवाइव किए हैं, इसको 3-4 स्पास के शॉट लगे बट स्पास से नहीं खास कुछ डैमेज देती नहीं और यहाँ पे एक और बंदा आ गया पीछे से। सो ये आगे की तरफ भाग रहा है, अब मुझे भी यहाँ पे बचना होगा क्योंकि वो बंदे 2 हैं, थोड़ा सा निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरा टीममेट कह रहा था यहाँ पे पूरी स्क्वाड है। सो यहाँ पे मैंने कहा घूम के ही साइड से आता हूँ, तब तक वो आपस में फाइट कर लेंगे क्योंकि वो दोनों अलग बंदे हैं। पीछे की तरफ एक बंदा मेरे सामने से निकल गया था, मैंने उसको इग्नोर किया कॉज ऑफ यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट रेंज में भी बंदे थे और नवाब भी डाउन हो चुका है और यहाँ पे पास इस बंदे को मैंने आके 2 बॉडी लगाए और ये नॉक हो गया। इतना कुछ खास ऐसा प्लेयर नहीं था, सो इसको कंप्लीट करके इसे लूट लेते हैं पहले तो। सो यहाँ पे मैंने इसको शॉट लगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे दूसरी लूट बॉक्स के अंदर से मुझे M10 मिल गई है और
और यहाँ पर सीन ये दो खिल आपके भाई के हो चुके हैं और शॉर्ट रेंज के अंदर अभी भी और बंदे हैं। सो यहाँ पे ये पीछे की तरफ एक बंदा था जो साइड से डैमेज करा रहा था। सो मैंने घूम के इसको लगाया शॉट, पहले से शॉट इसको मिस हो गया। सो मैं इसका वेट कर रहा था कैसे मुझे मौका देगा मैं इसको शॉट लगाऊंगा, बट भाई बंदे के पास इतने ज़्यादा रिवॉल्व थे, वो पीछे के पीछे जा ही जा रहा है और अपने आप को देखो पैक कर ले। पीछे एक और बंदा आ गया था जिसको मुँह पे लगे तीन शॉट और ये कंप्लीट गया। तीन किल आपके भाई के हो चुके हैं। ये मेरे ख्याल से स्क्वाड अलग स्क्वाड का लास्ट बंदा था। सो यहाँ पे बॉनफायर भी मैंने डाल दिया और सुपर मेडिकेट लगा लेते हैं जल्द अज जल्द ताकि हमारी हेल्थ फुल हो जाए, इससे पहले कि कोई और बंदा रश करे। हेल्थ फुल करना जरूरी होता है टाइम टू टाइम, आप लोग भी कर लिया करो। हेल्थ किट लगाने के बाद मैंने कहा उन बंदों को देखता हूँ जो साइड पे गया था मेरे पास से, जिसको मैंने इग्नोर किया था। और यहाँ पे मेरे पास थी एसवीडी मुझे चलानी नहीं आती, मतलब आती तो है बट इतनी खास नहीं जैसे वुड पीकर चलाता हूँ। सो यहाँ पे इसको मैं डैमेज तो करा रहा हूँ बट इतना अच्छा डैमेज नहीं जा रहा जितना एनिमी का मुझे आता है जब उसके पास एसवीडी होती है। सो यहाँ पे दो बंदे हैं और एक्यूरेसी भी बिल्कुल उसकी ख़राब हो रही है क्योंकि एम आ ही नहीं रहा बंदों के ऊपर। 63-44 ऐसे करके शॉट्स लग रहे हैं। सो यहाँ पे मैं मेरा बैकअप लेता हूँ, अपने टीममेट को जाकर रिवाइव करता हूँ फिर फाइट लूँगा। और ये मुझे पीछे से फिर भी फायर दे रहे थे और फोर की वेस्ट मेरी का हालत देखो क्या हो चुकी है। और गाइस सीन ये है कि ये मैच बहुत ही टफ होने वाला है, इसके आगे से जो सिचुएशन आने वाली है वो इससे भी मज़ीद और टफ होने वाली है। अपने टीममेट को रिवाइव करके मैं यहाँ इस वाले घर में आया और जैसे मैं ऊपर की तरफ आया राइट हैंड पे पीछे की साइड पे बंदा था। सो हम दोनों टीममेट ने उसके ऊपर रश किया बट उस बंदे ने मुझे नॉक कर दिया भाई, बहुत आला किस्म के शॉट लगाया, आई थिंक उसका हाथों नहीं लगा हुआ था। और यहाँ पे भाई मेरे टीममेट ने दस्ती अपना मिशन भी खेल लिया मुझे हिलअप करके। और यहाँ पे इस बंदे से लूट ले लेते हैं, ऊपर की साइड पे और बंदे हैं और यहाँ से मैच की टफ सिचुएशन स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे हमने कहा साथ साथ रहते हैं बिकॉज ऑफ बंदे अब कम हैं तो हमें किल चाहिए थे तो फाइट लेनी है, एक साथ लेंगे। सो गाइस यहाँ पे पीछे की तरफ एक बंदा बैठा हुआ था, जैसे मैं इसके मुंह पे आया इसको मैंने दो शॉट लगाए बट उसको दोनों के दोनों मिस गया और वॉल भी मेरा मिस गया। घूम के आया बट मेरे दो टीममेट दोनों के दोनों वैश्य होकर उसको पड़ गए, बेचारे को समझ नहीं आई, दो दो एमटन घुसा दी उसके अंदर और भी सारी लड़की को उन्होंने कंप्लीट कर दिया। आप पीछे की साइड पर और बंदे हैं जहाँ से रिवाइवल पॉइंट होता है और साथ में जो दूसरा वाला घर था। अब नवाब यहाँ पे बंदे नॉक कर रहा है, सो मैंने कहा मैंने भी किल निकालने हैं भाई, मुझे भी आने दो। नवाब ने बंदा अपना पूरा भी कर लिया था पीछे आके और वुड पीकर आपके भाई के पास आ चुकी है। एसपीडी मैंने ड्रॉप कर दी थी क्योंकि एसपीडी का कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था चलाने का। सो गाइज यहाँ पे पीछे की तरफ एक और बंदा था जिसको मैंने दो तीन बॉडी कराए और ये भी किल मेरा चोरी होने वाला है। आप लोग देखना ये कैसे चोरी करेंगे, इतने नूब हैं ये लोग। सो यहाँ पे मैं जल्दी से इस बंदे के पास आया, मैंने कहा मुझे किल मिल जाना। वो वुकुंग बन के बैठा हुआ है, उसको ये नहीं पता कि मेरा टीममेट घूम के आगे मेरा किल चोरी करने वाला है। सो जैसे मैं इसके पास आया मैंने थोड़ी सी मूवमेंट की और जैसे मैंने गन निकाली उससे पहले मेरे टीममेट ने इसको नॉक कर दिया क्योंकि वो डैमेज था, इतना कुछ खास बंदा नहीं था। और यहाँ पे फिर से इसने अपने मिशन करना स्टार्ट कर दिए हैं और बंदे भी और हैं अभी यहाँ पे पीछे की साइड पे। वहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए साइड हुआ और ये दोनों नॉक हो गए, नवाब भी और सैम भी। सो यहाँ पे पीछे की तरफ जिन बंदों ने उनको नॉक किया था, पहले को मैंने हेड लगाया स्कोपिंग के अंदर और सेकंड वाले को मैंने बॉडी लगाना स्टार्ट कर दिया। अब मजे की बात यह है कि दोनों बंदे ग्लूवल नहीं लगा रहे, चेक करो पहले वाला भी ऐसे मर गया और दूसरे वाले को भी मैंने ऐसे नॉक कर दिया, यूजर डेड। वैसे ग्लूवल मेरे पास भी बहुत कम है, सो इनके पास से जाकर लूट करते हैं, आई थिंक उनके पास से वॉल मुझे मिल जाएंगे। और यहाँ पे नंबर 3 और नंबर 4 को अगेन से रिवाइव मिल गया, दोनों नल्ले हैं दोनों नूब हैं। सो यहाँ पे इनकी मैं लूट करने के लिए निकल रहा था, यहाँ पे पहले कि मैंने इनकी लूट करने के लिए आया, मैंने कहा भाई इन्होंने क्या किया, इनकी लूट करते हैं ना, वॉल शॉट उठा लेते हैं इनकी लूट के पास से। और गाइस यहाँ पे दो गाड़ियाँ हैं, एक राइट हैंड पे जा रही है और एक पीछे लेफ्ट हैंड जोन के अंदर से आ रही है। और जोन की सिचुएशन आप लोग देख सकते हो बिल्कुल खुले के अंदर बनी हुई, कोई घर वर नहीं है यहाँ पे। सो खुले के अंदर तभी भूया आपके पास पॉसिबल होता है जब आपके पास होते हैं ज़्यादा सारे वॉल्स। ये दोनों की लूट पड़ी हुई है इनके पास से, वॉल शॉट उठा लेते हैं जल्दी से। और ये दोनों चिल्ला रहे थे जोन के ऊपर से ही हमारे लिए लूट छोड़ना, हमारे लिए लूट छोड़ना। और यहाँ पे नवाब फिर से नॉक हो चुके हैं नंबर 3, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को नल्ला है पूरा। सो गाइस यहाँ पे सामने की तरफ बंदे थे ये जो है पिलर इसके उस साइड पे, और यहाँ पे नंबर 1 भी नॉक हो चुका है। सो भाई मैंने कहा पूरी फाइट की सिचुएशन में आता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं थोड़ा आगे आया नंबर 3 की हेल्थ भी लोना स्टार्ट हो गई और उसने बोल दिया मैं मरने वाला हूँ, गेम तुम्हारे ऊपर है। अब जैसे इसने ये बोला मैंने कहा यहाँ से कल्टी मारता हूँ। अब यहाँ पे मैंने दो वॉल डाले कि पीछे से मुझे डैमेज ना पड़े, पर ये बंदा मेरे मुंह पे था इसको नॉक करके जाना था। पहले दो शॉट लगाए दोनों मिस गए और यहाँ पे मैच की सिचुएशन स्टार्ट होगी हार्ड वाली, सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर। यहाँ पे मैंने इसको फिर से शॉट लगाए, फिर से मिस हो गया। घूम के आया इसको दो शॉट लगे और यहाँ पे इसको मैंने नॉक करके जल्दी से कहा कंप्लीट करता हूँ इससे पहले कि दूसरा बंदा मेरे ऊपर रश करे। यहाँ पे मैंने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दी कि इससे पहले कोई और मुझे दो शॉट लगाए और पूरा अपने आप को कवर कर रहा था। एक और बंदा आया ब्लैक कलर की ड्रेस में था, इसको मैंने दो शॉट लगाए, इसकी हेल्थ काफ़ी उड़ गई होगी और ये भी मूवमेंट करके पागल हो रहा था। इसको दो शॉट अगेन से लगाया, दोनों मिस गए। और यहाँ पे एक गाड़ी वाला आ गया, लड़की इसके काम चेक करो मतलब कहाँ गाड़ी घुसा रही। और मैंने फिर से दो शॉट लगा के पीछे से अपने आप को कवर किया। सो गाइस यहाँ पे एक और ब्लू निंजा आ गया और यहाँ पे ब्लू निंजा को मैंने वन टैप लगाने का ट्राई की, जैसे ये आ रहा था बट लगा नहीं, मिस हो गया। मैंने थोड़ा सा लेट शॉट दिया इसको, फिर भी उसको काफ़ी अलग किस्म का डैमेज चला गया होगा। सो गाइस मैं पहले डिसाइड कर रहा था यहाँ से भागूँ, फिर मैंने कहा नहीं फाइट लूँगा मैं, इसके अगर घुस के मारूंगा। सो यहाँ पे मैं घुस गया, पहले वाले बंदे को
लगाया, मैंने रेड नंबर्स नॉक हो गया, पीछे से मुझे M10 का स्प्रे आया बट मैं बच गया यहाँ पर। और सेकंड वाले बंदे को पहले दो शॉट मिस और सेकंड वाले ब्लू निंजा को दो शॉट लगाए, सीधे रेड नंबर्स नॉक हो गया। और यहाँ पे लास्ट पे लड़की बची थी और इसको भी लगे यहाँ पे रेड नंबर। और यहाँ पे 1v4 के अंदर आपके भाई ने फाड़ के रख दी इन बंदों की। और यहाँ पे थोड़ी सी शौकियों के लिए मैंने इमोट मारना स्टार्ट कर दिया। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये 1v4 कमेंट्स में मुझे जरूर से बताइएगा। और यहाँ पर 6 बंदे लाइव हैं, 5 बंदे अभी भी और पड़े हुए हैं। सो गाइस यहाँ पे अभी भी मैच की सिचुएशन बहुत ही इंस्टेंट चल रही है। सो गाइस देखते हैं क्या सीन होता है, बुआ आपके भाई का हॉप आता है या नहीं। सो मैंने कहा आप जोन पकड़ता हूँ क्योंकि वॉल मेरे पास बहुत कम रह गए थे और पीछे से मुझे डैमेज पड़ना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कहा भाई इन बंदों को तो मैं अभी बताता हूँ, पीछे से डैमेज करने शर्म नहीं आती, इतने वॉल थे मेरे पास। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इतना सारे वॉल यूज़ किया और मैंने उन बंदों की लूट भी नहीं की। और यहाँ पे एक बंदा पीछे की तरफ था और एक इसके सामने था, दोनों एक साथ ही थे। सो मैंने कहा इनमें से एक को लेता हूँ, दूसरा खुले में आकर फिर उसको फायर दूंगा। सिचुएशन इतनी हार्ड थी कि मैं मेडिकेट भी नहीं लगा रहा था, जल्दी जल्दी बस जो हो रहा था मैं कर ही जा रहा था। और यहाँ पे जब बंदे का लास्ट मैच बचता है ना, सो तब जाके पूरी सिचुएशन संभालने का मौका मिलता है मुझे। तो खैर यहाँ पे इस बंदे को मैंने कराया पहला बॉडी और सेकंड रेड नंबर के साथ स्कोपिंग के अंदर। 10 किल आपके भाई के हो चुके हैं। वहाँ पे एक बंदा बचा हुआ है जिसको मैंने 3-4 बॉडी लगाए हैं। सो मैंने कहा नीचे की तरफ से जोन पकड़ता हूँ इससे पहले कि नीचे वाला आया और मुझे ऊपर की तरफ मारे। और मेरे पास सिर्फ एक वॉल रह गई है, सिर्फ और सिर्फ एक वॉल है। और यहाँ पे यही बंदा नीचे की तरफ था, शॉट मैंने मिस कर दिया, अगर स्कोप के अंदर आ जाता तो इसका हेलमेट खुल जाना था। सो यहाँ पे इसके पास बन गया परमानेंट कवर, प्रॉपर तरीके से इसके पास कवर है। सो मैं इसका वेट कर रहा था नूबो करके, बट भाई वो बंदा बहुत अलग किस्म का डैमेज करा रहा था। सो यहाँ पे मैंने कहा मिनी लॉन्चर मारता हूँ, शायद इसको एक हाथ लग जाए। और यहाँ पे इसको लग ही नहीं रहा था। सो मैंने कहा भाई इसको मारने के लिए फिर से मैंने ट्राई किया, फिर से मिनी लॉन्चर इसको नहीं लगा। और मेडिकेट जैसे ही मैंने लगाना स्टार्ट किया, अलोक ऑन किया, सो पीछे की तरफ से एक बंदे ने मुझे आके वुड पी करके शॉट, एक ही शॉट मारा और थर्ड पार्टी से किल ले गया। सो गाइस वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। और ऐसी सिचुएशन पे जाके बुआ मिस करा है किस किस ने मुझे, वो भी कमेंट्स में हाजिरी लगवाइएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक न्यू अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई को इजाजत दे और जो बंदे भी सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर 60K सब्सक्राइबर्स, ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही मैं आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा अच्छे अच्छे मैचेस के साथ।